नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बड़ी अपडेट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में यहाँ पर मैं महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट 2023 को लेकर बात करने वाला हूँ। वहीं यहाँ पर आपको महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, क्योंकि महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई भी अपडेट रहती है, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ। अब चलिए चलते गूगल की साइट पर। महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है, मैं जैसा टाइप कर रहा हूं वैसा वैसा आपको टाइप कर लेना है, ntrresult.com। ऐसा कैसा यहां पर आपको टाइप कर लेना है। जैसे यहां पर आप ntrresult.com सर्च करते हो तो ntrresult यहां पर आपको साइट टॉप पर देखने को मिल जाती है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब जैसे यहां पर आप ntrresult की वेबसाइट पर एंटर होते हो तो अगले इंटरफेस कुछ ऐसा मिलता है, जिसमें यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, रिजल्ट एडमिट कार्ड लेटेस्ट न्यूज का आपको सेक्शन मिल जाएगा। रिजल्ट के सेक्शन में यहां पर आपको चेक करना है क्या महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया है या नहीं आया है। तो जैसे मैं यहां पर चेक करता हूं तो यहां पर अभी तक महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही आता है तो यहां पर आपको टॉप पर देखने को मिल जाता है, अभी तक तो यहां पर महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट नहीं आया है। संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। तो आप यहां से देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही आता है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। मिलते किसी न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।